एक हिजबुल्ला चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है, द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपने एक, आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। हिजबुल्ला जिंदाबाद। आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि हिजबुल्ला, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के कमांडर सईद हसन नसरुल्ला शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिजिक मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से है और मजलूमों की हिमायत करते हैं। शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह के बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीन, फलस्तीनियों से, फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहयोगी से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहयोगी के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलम इंसानियत के साथ साथ आलम इस्लाम को हकी तजियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। मगर उसके खून से हजारों नसरुल्ला पैदा होंगे, वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम किरार करेंगे।